Hey guys, this is the Priyant and आज हम एक और एपिसोड खेलने वाले हैं क्योर मोड का. सो क्योर मोड में लास्ट टाइम पैरासाइट खेला था एंड वो वीडियो आपको बहुत पसंद आई थी. इस वाले में हम लोग फंगस के साथ खेलने वाले हैं. अगर आप में से कोई भी कंफ्यूज है कि क्योर मोड कैसे खेलते हैं, इसके डायनेमिक्स क्या है, तो मैंने बैक्टीरिया के साथ एक ट्यूटोरियल बनाया था जिसका लिंक ऊपर राइट हैंड साइड में है अभी. बट लेट्स गेट स्टार्टेड विद फंगस गाइस. सो मैं अगर आपको सच्ची बोलूँ तो मैंने फंगस के साथ ऑलरेडी एक गेम खेल चुका था और उसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया था, बट उसमें कुछ ऑडियो प्रॉब्लम हो गई थी. सो फंगस जैसा डिजीज है वो ना लैंड से फैलता है, ना एयर, ना पोर्ट से. फंगस पोर बस से फैलता है. सो उसके लिए हमको लैंड कंट्रोलर, पोर्ट कंट्रोलर, एयर कंट्रोलर की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है. अगर आपको जानना है कि फंगस जैसा डिजीज कैसे फैलता है, जो मैंने प्ले गिंक अपने गेम प्ले में दिखाया था, तो उसका भी लिंक ऊपर राइट हैंड साइड में है, वो भी चेकआउट कर सकते हैं. बट फंगस के लिए हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट लेंगे. एंड फंगस में क्योंकि हम लोग हार्ड कोर क्वारंटीन के लिए जाएंगे, तो हम लोग को नॉन कम्प्लायंस कम करना है और पैनिक से अथॉरिटी लॉस कम करना है. तो हम सेलिब्रिटी साइंटिस्ट लेंगे जिससे नॉन कम्प्लायंस कम हो जाएगा, हम मेडिकल कोऑर्डिनेटर रहेंगे जिससे अथॉरिटी लॉस कम हो जाएगा, एंड हम सर्जन जनरल लेंगे जिससे फेटैलिटी ही कम हो जाएगी. सो अनलाइक पैरासाइट या वायरस, फंगस का स्टार्टिंग में ही हाई फेटैलिटी रहता है. सो हमको थोड़ा केयरफुल लेना पड़ेगा एंड फंगस को स्टार्टिंग में एनालाइज करना पड़ता है. सो हमको एनालिसिस के लिए भी उसका टाइम देना पड़ेगा. इसका स्टार्ट काफ़ी ट्रेडिशनल है कि हम स्टार्ट में इजिप्ट से करेंगे एंड देन फिर आसपास की कंट्रीज एक्सप्लोर करेंगे ताकि हमको मालूम पड़े कि फंगस कहाँ पे है. एंड जैसे आप देख सकते हैं, मैं हर एक कॉन्टिनेंट में एक एक कंट्री एक्सप्लोर कर रहा हूँ ताकि मेरे को मालूम पड़े कि फंगस कहाँ पे, कौन सी कंट्री से चालू हो रहा है. अभी तक तो मुझे मिला नहीं है फंगस. सो मेरे हिसाब से या तो यूरोप में है या तो एशिया में है. यूरोप में भी अभी दिख नहीं रहा है. डिस्कवर्ड, कहाँ डिस्कवर हुआ है भाई? ओके, अफ्रीका में अभी डिस्कवर हुआ है, बट हमें कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं मिला है अभी तक फंगस का. यूरोप, अफ्रीका, लेट्स सी कंट्री ऑफ ओरिजिन मालूम पड़ा क्या गाइस? सो जैसे आप देख सकते हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ये एनालिसिस चल रहा है. बट क्योंकि हम हार्ड को क्वारंटीनिंग की तरफ जाएंगे फंगस के केस में, सो हम हर जगह हर कॉन्टिनेंट का क्वारंटीन ऑप्शन अनलॉक कर देंगे. एंड आई थिंक स्टार्ट सेंट्रल एशिया से होना चाहिए. लेट्स जस्ट फाइंड आउट. यस, जैसा देख सकते हैं सेंट्रल एशिया से, एंड फंगल ब्लूम इज देयर. सेंट्रल एशिया से स्टार्ट है, हमारा एनालिसिस कंप्लीट नहीं हुआ है. बट फंगस की स्टार्टिंग में इन्फेक्टिविटी एंड फेटैलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है. एनालिसिस कंप्लीट, हम रिस्पॉन्स में जाएंगे. हम इसकी फेटैलिटी कम करने के पहले की तरफ पहले फोकस करेंगे एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ले लेंगे. जैसे आप देख सकते हैं मेरी टीम यहाँ होने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. बाप रे, एक साथ बहुत सारे पॉइंट्स. हम क्वारंटीन ऑप्शन की तरफ जाते हैं, बट मेरी यहाँ टीम से फोर बर्स्ट इन रेड ब्रेकडाउन. जैसे आप देख सकते हैं, ये हर रेड जो बबल आ रहा है वो एक फोर बर्स्ट है. मुझे लग रहा है मुझे यूरोप को लॉकडाउन में डालना चाहिए. सो यूरोप को लॉकडाउन में डाल देते हैं. एशिया में इतना फैला नहीं है एक्सेप्ट सेंट्रल एशिया. सो मैं इन्फेक्शन कंट्रोल ले लेता हूँ ताकि यहाँ पे कंट्रोल में आता रहे. सेंट्रल ओवरवेलम, बट आई थिंक मैं यहाँ पे आ चुका हूँ. साथ ही साथ मैं नॉन कंप्लायंस जितना कम हो सके कम करूँगा, क्योंकि मैं फोकस करूँगा कि मेरा कुछ कुछ कंट्रीज मोर इन्फेक्शस देन टीबी. जैसे आप देख सकते हैं, इसका मैं फेटैलिटी एकदम कम कर दिया है. अब मैं इसका इन्फेक्टिविटी पे टारगेट करूँगा. ये धीरे धीरे ओके. आई थिंक पूरे वर्ल्ड को ग्लोबल लॉकडाउन में रखने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि ये काफ़ी जगह फैल रहा है एक्सेप्ट नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका में सरप्राइजिंगली इतना कुछ है नहीं. तो साउथ अमेरिका को भी लॉकडाउन में डाल देते हैं. साउथ अमेरिका को लॉकडाउन में डालने के बाद हम फोकस करेंगे इसकी इन्फेक्टिविटी जितना रिड्यूस हो सके कर सके. एंड इनइक्वालिटीज मैं ये भी ले लेता हूँ, ताकि जो कंट्री है जैसे यहाँ पे, अगर आप मैं ग्लोबल आपको दिखाऊँ तो 44 मिलियन केसेस हैं, उसमें से अराउंड 7 मिलियन इसी कंट्री में से, एक कंट्री में से, एंड बाकी 36. आई थिंक मुझे ब्राज़ील जाने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ब्राज़ील में आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है. एंड आप देख सकते हैं मेरी अथॉरिटी लॉस बहुत ही जल्दी हुआ है इसमें. सो मेरे को वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. मैंने फेटैलिटी काफ़ी ज़्यादा कम कर दी है, तो लोग मरेंगे नहीं और मेरा अथॉरिटी लॉस इतना नहीं होगा. मैंने एंड आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड को लॉकडाउन में रखूँगा अभी, ताकि मेरा अथॉरिटी लॉस एकदम से ही कम हो जाए. एंड आप जैसे मैंने वर्ल्ड को लॉकडाउन में किया, जैसा देख सकते हैं केसेस कम होना फटाफट चालू हो गए. ब्राज़ील में बहुत जल्दी कंट्रोल में आ गया है. इसके साथ मैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 1 एंड क्योर पर काम चालू कर दूँगा.
मुझे ग्रीनलैंड जाने की ज़रूरत है, नेशनल वाइड नॉन कम्प्लायंस इन न्यू गिनी। भाई साहब न्यू गिनी, लेट्स सी क्या कर सकते हैं न्यू गिनी के लिए। न्यू गिनी को कम्प्लायंस का एक छोटा सा पुर्की दे सकते हैं एंड देन वे यहाँ कम्प्लायंस इंक्रीज कर सकते हैं। ग्रीनलैंड को कंट्रोल में ले आया मैं। अगर मैं चेक करूँ ग्लोबल में कौन सा देश है, ग्रीनलैंड ही बता रहे हैं कि ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो चुका है। वैक्सीन रिसर्च स्लो चल रही है, वैक्सीन रिसर्च को फास्ट कर सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं बाईपास सेफ्टी मेजर्स है। तो बाईपास सेफ्टी मेजर्स में क्या होता है, ये एक रिस्क है, ये तीन पॉइंट का ही है कि अगर मैंने रिस्क लिया तो इससे हो सकता है कि यू नो रिसर्च फास्ट भी हो जाए, बट हो सकता है रिसर्च काफ़ी स्लो होगी, जीरो भी हो जाए। बट क्योंकि मैं 6% पे ही हूँ तो मैं ये रिस्क ले सकता हूँ, तो मैं इसको बाईपास कर सकता हूँ। देखिए जैसे ये हैज़ बैकफायर, तो ये जीरो पे हो जाएगा, वापस मेरे को वैक्सीन रिसर्च जीरो से चालू करना पड़ेगा। 12 पॉइंट के लिए लुक के 16। तो जैसे आप ये देख सकते हैं एंटी फंगल का इन्फेक्शन रेट बोनस होता है, सो फंगस का एक इन्फेक्शन रेट बोनस होता है, उसको मैं रीसेट कर देता हूँ ताकि ग्रीन लाइन कंट्रोल में आ रहा है धीरे धीरे। ग्रीन लाइन ये जैसे जैसे रीसेट आई थिंक 40-50 पे पहुँचेगा, उसके बाद मैं और क्या ले सकता हूँ। मैं अरे इन्फेक्टिविटी रेट काफ़ी लो है, फिटैलिटी रेट भी इतना कुछ हाई नहीं है। मैं थोड़ा पॉइंट इकट्ठा करके इम्प्रूव सप्लाई चेन ले लूँगा उससे। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इनको भी मैंने रेजिस्टेंस की पुर्की दे दी। वर्ल्ड में इतना बढ़ तो नहीं रहा है, बट ये रेजिस्टेंस की पुर्की देने से बेनिफिट होता है क्योंकि कभी कभी जो नॉन जो रेजिस्टेंस कंट्रीज होती हैं उनको मैं शट डाउन, ग्लोबल इज अंडर लॉक डाउन, जब देख सकते हैं इन्फेक्शन रेट कम हो रहा है। 7,000 यहाँ ग्रीनलैंड में ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है इन्फेक्शन। सो मैं दूसरी कंट्रीज में जाता हूँ जहाँ पे हायर इन्फेक्शन रेट्स है। ग्लोबल सप्लाई चेन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज ले लेता हूँ क्योंकि आई थिंक मैं 50% से ऊपर पहुँच चुका हूँ। सो मेरे को स्टार्टिंग में बम्प मिलेगा। यहाँ पे मैंने पुड़की दी, यहाँ पे एक पुड़की दी, यहाँ पे एक पुड़की दी। ना ये पुड़कियाँ मुझे हेल्प कर रही हैं क्योंकि ये यहाँ का जो कंप्लायंस रिस्क है वो कम कर देती हैं सिग्निफिकेंटली। एंड आई थिंक रिसर्च काफ़ी अच्छी चल रही है। मैं और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करता हूँ ताकि रिसर्च कंप्लीट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे अंडरवे, मैन्युफैक्चरिंग फास्ट होना चालू हो जाएगी। एंड मेरा अथॉरिटी लॉस काफ़ी जल्दी चल रहा है, बट जैसे ये प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाएगा सेफ्टी चेक्स, सो मैं क्या करूँगा, मैं ग्लोबल लॉकडाउन हटा दूंगा सबके सब ताकि मेरे पॉइंट्स वापस आ जाए। एंड क्योंकि ये सब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो इतना बड़ा रिस्क नहीं है। सो एंड मैंने सब पॉइंट्स वापस ले लिए, जैसा देख सकते हैं मेरा अथॉरिटी वापस 99 पे आ गया। सो ये वाला स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा होता है अगर आपको अपने अगर फंगस के साथ डील कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में लोगों को क्वारंटीन में डाल दो एंड देन फिर धीरे धीरे यू नो क्वारंटीन हटाओ जैसे जैसे आपका वैक्सीन रेडी हो गया। सो विद दैट गाइस हम एक फंगस वाला गेम जीत चुके हैं। सो फंगस के साथ जो स्ट्रैटेजी मुझे चेंज करनी पड़ी, जैसे आप देख सकते हैं हर बार मैं पहले यहाँ इन्फेक्टिविटी कम करता हूँ, रिस्पॉन्स मिशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ एंड यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वेसिंग ज़्यादा लेता हूँ एंड बॉर्डर मॉनिटरिंग तो मैंने ली नहीं क्योंकि फंगस के केस में बॉर्डर मॉनिटरिंग हेल्पफुल होती ही नहीं है क्योंकि जैसे फंगस होता है वो स्पोर बस से फैलता है, सो बॉर्डर के थ्रू फैलता नहीं, तो वो उस पर हमको पॉइंट वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग थोड़ा बहुत ठीक है बट मेन है फेटैलिटी कम करना। एंड मैंने उसी के साथ गाइज विद दैट आई हैव इरेडिकेटेड द फंगस गेम। सो आपको ये फंगस गेम कैसा लगा आप नीचे कॉमेंट्स में लिखिए। एंड हम प्लेगिंग पर बहुत सारे प्लेगिंग क्योरिंग रिबेलिंग पे वीडियोस बनाते रहते हैं, सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग गाइज। विद दैट दिस इज द फ्री एंड साइनिंग ऑफ।